किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिए जाने की मांग की गई। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिए जाने की मांग की गई। देखिए, अतिवृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ। हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था 23 सितंबर को। उसके बाद में प्रशासन जागा और सर्वे करने गया, तो अभी जो रिपोर्ट आ रही है उस हिसाब से तो मनमाने तरीके से कुछ तो भी दर्शाया जा रहा है, और 50% से अधिक का तो कोई नुकसान नहीं बता रहे हैं। और कपास में तो मूल रूप से ऐसा, पटवारी लोग तो मौखिक में ये कह रहे हैं कि हम इसको सिंचित मानते ही नहीं हैं। जब सिंचित नहीं मानते हैं, खरगोन जो पूरे विश्व में माना हुआ कपास की खेती करने वाला ज़िला है, हजारों हेक्टेयर में ड्रिप लगी है, और अगर यहाँ तहसीलदार साहब के ऑफिस में अगर ऐसा कहा जाता है कि ये सिंचित में नहीं आता है, तो किसानों में इसी बात का आक्रोश है कि वास्तव में सर्वे सही तो करो। अभी तो आप गांव-गांव जा नहीं रहे हो, टेबल पे बैठ के सर्वे कर रहे हो, और उसके बाद में भी किसानों को हित हो ऐसा सर्वे नहीं है। इसलिए किसान पूरे गांव-गांव से आए हैं, आक्रोशित है, और हर तहसील में है। गोगांव में भी मात्र 200-250 किसानों का 50% से अधिक नुकसान माना गया। हमारा तो ये निवेदन है कि बस आप शहरों से निकलो और गांव तरफ जाओ, क्योंकि गांव ही खाने को दे रहा है आप लोगों को। अगर आप गांव तक नहीं जाओगे और ऐसे मनमाने तरीके से सर्वे करोगे, तो समाज में तो बहुत ज़्यादा आक्रोश है। उनकी फसलों का नुकसान हुआ है, और बीमे भी पिछले 2 साल का तो बीमा मिला नहीं है, और ऐसा सर्वे हुआ तो इस साल भी मिलना नहीं है। तो 6-4 में भी मुआवजा दो, और बीमे का भी कहीं ना कहीं कार्रवाई करो, तब जाके किसानों का आक्रोश शांत होगा।